जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो YCB के यूनिट 4 से लिया है, 4.8, जिसमें हम ऑब्स्ट्रेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में देखेंगे। जो YCB में टॉपिक्स कवर किए हैं वो मोस्टली मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड कवर किए हैं और उनका जो योगिक साधना है उसके बारे में कहा है। तो ये जो टॉपिक मैंने वहां से लिया है, मैंने थोड़ा ज्यादा ध्यान मैटरनल मेंटल हेल्थ पे रखा है क्योंकि उसमें मैं काम करती हूँ और बहुत सारे रिसर्च पेपर वहां से मैंने रिव्यू किए हैं। तो लेट्स हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द टॉपिक और हम क्या देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं वो वुमेन के साथ जुड़े हुए हैं। तो वुमेन को हम संस्कृत में कहते हैं स्त्री। तो ये जो स्त्री वर्ड है उसका धातु है स्त्रु, संस्कृत से ये आता है। तो स्त्रु का मीनिंग होता है विस्तृत करना, एक्सपांड करना। तो हमें पता है कि जो हमारी महिला होती है, चाहे वो कोई भी रिलेशन से हमारे साथ जुड़ी हुई होती है, उनमें बहुत सारी ममता होती है, करुणा होती है, प्यार होता है। तो ये चीज को स्त्री एक्सपांड कर सकती है, उनमें बहुत सारी शक्ति होती है। तो ये जो स्त्री है वो जब थोड़ा और मैं तेज बोलने का ट्राई करती हूँ, प्लीज मुझे बताना कि अभी ठीक आ रहा है क्या आवाज। थोड़ा बीच बीच में कट हो रहा है आवाज। अच्छा ठीक है, शायद थोड़ा देर में वो स्ट्रीमलाइन हो जाए तो भी और जोर से बोलने का ट्राई करती हूँ। तो ये जो स्त्री होती है उनमें जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है, प्यूबर्टी से भी थोड़े पहले, वहां से लेके मेनोपॉज तक बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जब चेंजेस होते रहते हैं, अगर उसमें उन्हें योग साधना की जोड़ मिल जाए तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सुधार सकती है। तो हमारी जो योग साधना है वो उनके स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ पे बहुत अच्छे से इफेक्ट करती है। इसमें बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है, चल रहा है और आगे भी बहुत सारा रिसर्च करने के लिए स्कोप अवेलेबल है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो जैसे मैंने अभी कहा कि जब कोई भी स्त्री प्यूबर्टी से लेके अपने मेनोपॉज तक चलती है, तब उनकी प्यूबर्टी आती है, जब उनकी शादी हो जाती है तब कंसेप्शन का टाइम आता है, कंसेप्शन से आगे प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स चले जाते हैं, फिर डिलीवरी का समय आता है, डिलीवरी के बाद भी उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। इसके दौरान उनका जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो थम जाता है, वो रुक जाता है जब वो फीडिंग पे होती है, और उसके बाद फिर वो रीस्टार्ट होता है और मेनोपॉज तक वो चलता रहता है। बट ये सारे जर्नी में वो जो स्त्री है, वो जो महिला है, उनमें बहुत सारा स्ट्रेस आता है, बहुत सारी एंजाइटी होती है। हमने भी हमारे घर में देखा होगा, बहुत समय से देखा होगा कि जब भी कोई लड़की है उसे पता है कि अभी हमारी डिलीवरी होने वाली है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं तो एंजाइटी होती है, क्या होगा भाई उस दिन पे, कैसे होगा। मूवीज हम देखते हैं उनका बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे पे, तो उससे बहुत सारी एंजाइटी अपने आप में ही क्रिएट होती जाती है, हमारे चित्त पे उसका इफेक्ट होता रहता है। फिर आजकल तो आपने सुना होगा पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है, जो पहले के जमाने में इतना नहीं हुआ करता था। तो ये जो सारे चेंजेस है प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक, उनके साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। यहाँ पे मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई है। बस यही उसका पर्पस था कि थोड़ा इसके बारे में हम बात करें, क्योंकि इससे आगे हम जाएंगे तो मेंस्ट्रुएशन और उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, ये इंटरनल ऑर्गन्स है जहाँ पे दो ओवरीज है, दो फेलोपियन ट्यूब्स है। फेलोपियन ट्यूब के बाजू में जो अंदर की डार्क रेड कलर है वो यूटेरस है, जिसे हम मराठी में गर्भाशय करते हैं, वूम कहते हैं। उसके नीचे वजाइना है और उसके नीचे सर्विक्स है। तो जो ओवरीज है जो व्हाइट कलर में दिखाई गई है, जब भी कोई फीमेल चाइल्ड
बॉर्न होती है, जब उसका बर्थ होता है, तो ये ओवरीज में पूरा मिला के, दोनों ओवरीज में मिला के कुल मिलके 1 से 2 मिलियन एग्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि एग तो बहुत सारे होते हैं, मेच्योरिटी बेबी अराउंड 300 to 320 एग्स अवेलेबल होते हैं। इतना अवेलेबिलिटी होने के बाद भी आजकल PCOS है, फिर कंसेप्शन के लिए प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी, ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। खैर, ये ओवरीज में इतने सारे एग्स अवेलेबल होते हैं, ये जो फेलोपियन ट्यूब्स है ये वो एग्स को रिसीव करती है और आगे का मेंस्ट्रुएशन चलता है, वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। बट ये सारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो इंटरनली फीमेल के बॉडी में चलती रहती है, ये सिस्टम भी प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक बहुत सारे चेंजेस के साथ आगे बढ़ती रहती है। एक चीज जो एकदम नीचे का पार्ट है, जो सर्विक्स है, हम जब योग साधना करते हैं, चाहे वो कोई भी एज में हम करें, बट हम ये सर्विक्स के ऊपर काम करते हैं। जब हम प्रीनेटल भी योगा के साथ काम करते हैं, तब हम ये सर्विक्स के ऊपर काम करते हैं, ताकि ये सर्विक्स फ्लेक्सिबल हो, आगे वजाइना के मसल्स फ्लेक्सिबल हो, और आगे जाके यूटेरस का जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। तो आगे के स्लाइड में मैंने ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स मेंशन किए हैं, जो हमारे वाईसीडी के टॉपिक्स में दिए गए हैं। इसमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट है, जिसे PMS भी कहते हैं, PCOS है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, प्री एक्लिम्शिया, ये जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा, बहुत सारे पेशेंट्स को अभी होने लगा है, डिसमेनोरिया, ये भी एक चीज है, फिर मेनोपॉजल डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये सारे डिसऑर्डर्स हमारे मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड हैं। तो आगे के स्लाइड में हम पहले देखेंगे कि ये मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। ठीक है, हमने स्कूल से देखा है, स्कूल्स में भी अभी बहुत सारा एजुकेशन देते रहते हैं, तो बेसिकली ये जो मेंस्ट्रुएशन है वो ब्लड फ्लो है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो हमने पहले के स्लाइड के ऊपर फिर से जाती हूँ, जो यूटरस है, ये यूटरस के अंदर 3 लेवल्स ऑफ लाइनिंग्स होते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम होती है, उसके बीच में मायोमेट्रियम होती है, और उसके एंड में पेरीमेट्रियम होती है। तो ये जो एंडोमेट्रियम है, जो एकदम अंदर के साइड में यूटरस के साथ है, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, लेयर है, टिश्यूज है, ये जब श्रेड ऑफ हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये जब श्रेड ऑफ होके नीचे वजाइना से लेके सर्विक्स से लेके हमारे नीचे आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं भाई मेंस्ट्रुएशन आ गया। ठीक है, अराउंड ये जो मेंस्ट्रुएशन चलता है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी मेंस्ट्रुएशन हेल्थ है, तो वो 28 से 32 डेज का होता है। अगर आपको ये डेज में मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड हेल्दी मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, नहीं तो कैसे होता है, ये हम आगे के डिसऑर्डर्स में देखेंगे। लेट्स हैव अ ब्रीफ आइडिया। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 जो है वो मेंस्ट्रुएशन फेज है, जब भी हमारा ब्लीडिंग चल रहा है। ऑन एन एवरेज जब प्यूबर्टी आती है, तब ये अराउंड 6 to 7 डेज का चलता है, और ग्रेजुअली ग्रेजुअली इसके जो डेज है वो 7 से लेके 4 तक आते हैं। बट हेल्दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए 4 डेज का ब्लीडिंग अच्छे से होना ये जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद आती है फॉलिकुलर फेज। ठीक है, ये 13 दिन चलती है। जब हमारा मेंस्ट्रुएशन आता है, तब से लेके 13th डे तक फॉलिकुलर फेज चलती रहती है। इसमें क्या होता है, तो हमारे जो ओवरीज है उसमें दो मेन हार्मोन चलते रहते हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। इनके ऊपर नीचे चले जाने से, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इनके ऊपर नीचे चले जाने के साथ ये फॉलिकुलर फेज जुड़ा हुआ है। जब ये फॉलिकुलर फेज चलता है और अपने एंड में आता है, तो फेज 3 शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। ये ओव्यूलेशन फेज
कंसेप्शन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब कोई गायनेकोलॉजिस्ट भी काम करता है कोई इनफर्टिलिटी पे, वो भी ये ओव्यूलेशन डे के ऊपर काम करता है जो सिर्फ और सिर्फ एक डे का होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे मैंने कहा था कि ओवरी से एक निकलते रहते हैं वन बाय वन, कभी कभार दोनों ओवरी से भी एक निकलता है, बट उसके बारे में अभी नहीं देखेंगे। ओवरी से जब एक एक वन साइड एक महीने में, अनदर साइड एक महीने में एक निकलता है, वो फेलोपियन ट्यूब से पास हो के यूटरस में आने वाला होता है। उसके पहले जब वो फेलोपियन ट्यूब में होता है तब ये ओव्यूलेशन फेज रहता है। वो सिर्फ 24 डेज 24 आवर्स का रहता है। इसके लिए वो सिर्फ एक डे की प्रोसीजर होती है। ये डे को कैप्चर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्शन के लिए, ठीक है। फिर फेज फोर आता है ल्यूटियल फेज। जब ये जो एक निकला है फेलोपियन से, फेलोपियन ट्यूब से निकला है, अभी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से यूटरस में आएगा क्योंकि यूटरस नीचे है। अगर ये उस टाइम पे कोई भी स्पर्म उससे अटैच नहीं होता, तब ये ल्यूटियल फेज 15 to 28 डे का चलता है। तब हाइपोथैलेमस को मैसेज चला जाता है, सिग्नल चला जाता है कि भाई अभी यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, तो अभी जो है लाइनिंग जो क्रिएट हुई है वो अभी हम श्रेड करेंगे 28 डे पर। इसके लिए पहले कहा था कि 28 डे से 32 डेज का जो साइकिल है, अगर उसमें हमें मेंस्ट्रुएशन आता है, पीरियड्स आते हैं, दैट इज हेल्दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओके। तो अभी हम एक-एक करके ये जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हमारे टॉपिक में दिए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले देखते हैं कि कॉमन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो अभी जैसे मैंने अभी कहा था कि हर एक फीमेल को कोई ना कोई एंजाइटी होती रहती है, एक स्ट्रेस होता रहता है। अभी जैसे एजुकेशन स्कूल में देते हैं लड़कियों को भी बिफोर मेंस्ट्रुएशन, उन्हें पता है कि भाई मेंस्ट्रुएशन में पेन होने वाला है, क्रैम्स होने वाले हैं, हमारे बैक में दर्द होगा। तो ये सारे जो हमारे मन के अंदर चलता रहता है वो ही हमारे एक्चुअल बॉडी पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारा इफेक्ट हमें जब 4 डेज का मेंस्ट्रुएशन होता है तब चलता रहता है, ठीक है। अभी कोई टर्म्स है जो बहुत सारा यूज किया जाता है, तो पहला है मेनोरिंजिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लीडिंग है वो 7 दिन से लेके और प्रोलॉन्ग होता जाता है। ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग होता ही है, उसके साथ क्लॉट्स भी निकलते हैं। अभी यहाँ पे थोड़े बहुत क्लॉट्स इज ओके, हर एक फीमेल ने एक्सपीरियंस किया होगा यहाँ पे जो भी है कि क्लॉट्स थोड़े बहुत तो निकलते हैं, बट कोई कोई फीमेल में बहुत बड़े बड़े गड्ढे गड्ढे निकलते हैं, विच इज कॉल्ड मेनोरिंजिया, ठीक है। डिसमेनोरिया वो हम अलग से भी देखेंगे, प्राइमरी डिसमेनोरिया और सेकेंडरी डिसमेनोरिया, ऐसे उसके टाइप्स होते हैं, बट इसमें पेनफुल क्रैम्स होते हैं, ठीक है। इन फुल क्रैम्स जब न्यू प्यूबर्टी होती है वो गर्ल्स में भी होता है, कभी कभी आगे जाके भी होता है, कोई कोई लोगों में नया नया शुरू शुरू में नहीं होता, आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उसके साथ हो जाता है। आगे का वर्ड है एमेनोरिया, मतलब बिल्कुल भी पीरियड ना आना, या फिर 1 महीने में आया है, आगे 8 9 महीने में आया ही नहीं, फिर एक हाथ बार आया, फिर आया नहीं, ऐसे किससे चलते रहते हैं एमेनोरिया में। फिर पॉलीमेनोरिया, फ्रीक्वेंटली पीरियड्स आते हैं, अभी आके गया था, अभी फिर से मुझे मेंस्ट्रुएशन होगा 15 डेज में 20 डेज में, विच इज नॉट गुड। अभी जैसे हमने मेंस्ट्रुएशन के फेजेस देखे तो हर एक फेज में अपना कुछ काम चलता रहता है, इसके लिए मिनिमम 28 डे पे ही हमें मेंस्ट्रुएशन आए वो हेल्दी मेंस्ट्रुएशन कहा जाएगा, ठीक है। इसके आगे है ऑलिगोमेनोरिया, मतलब इरेगुलर पीरियड्स, ठीक है। जैसे पीसीओएस है, इरेगुलर पीरियड उसका एक कॉमन सिंड्रोम है,
उसके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, कोई कोई महीने में आते हैं, कोई कोई महीने में मेडिकेशन के साथ आते हैं, कोई कोई महीने में आते ही नहीं, दो दो अढ़ाई अढ़ाई महीना चला जाता है बट पीरियड्स आते नहीं है। इसकी जो सीवियरिटी होती है उसे हम PMDD कहते हैं, उसमें बहुत सारे मूड डिस्टरबेंस हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी हिल जाती है, हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है हमारे साथ। ये सारी जो डिसऑर्डर्स है उनके ऊपर योग साधना बहुत अच्छे से काम करता है, वो हम एंड में देखेंगे, जिसके आगे का हम डिसऑर्डर्स देंगे, जिसे हम PMS कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है, ये जो होता है वो बहुत सारे फीमेल में एक्सपीरियंस भी किया होगा, हर एक फीमेल के साथ अलग अलग होता है। जैसे कि कभी कभी कोई कोई फीमेल को जब मेंस्ट्रुएशन आने वाला है उसके 2 दिन पहले स्वीट खाने का क्रेविंग होता है, कोई कोई फीमेल के बैक पीट करने लगती है, पैक में बहुत सारा पेन होता है, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई 12 को मुझे पेन होने वाला है, 14 को मुझे मेंस्ट्रुएशन होगा ही होगा। इट माइट बी अ सिग्नल टू देम। ठीक है, किसी किसी कोई कोई लड़कियों में, कोई कोई फीमेल्स में बहुत सारा पेट में दर्द होता है, स्पेशली एब्डोमिनल साइड पे। तो कोई कोई फीमेल्स में नौशा होता है, क्रैम्स होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते रहते हैं। पर वो ये जो PMS होता है वो मेंस्ट्रुएशन के पहले आता है। ठीक है, इसके ऊपर भी योग साधना बहुत इफेक्टिव होती है। बहुत सारे फीमेल्स ने ये कहा है कि मेरी रेगुलर योग साधना मुझे PMS में बहुत हेल्पफुल है, मुझे PCOS में बहुत हेल्पफुल है, मुझे मेंस्ट्रुएशन बहुत अच्छे से मैं एंजॉय कर पा रही हूँ, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक्सेप्टेंस इज वेरी रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, आगे का जो है इट इज अ PCOS, इसे पहले PCD कहते थे, पॉलीसिस्टिक डिजीज। ठीक है, बट जैसे जैसे रिसर्च किया गया करा है तो उन्हें पता चला कि इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिंड्रोम। व्हाई इट इज अ सिंड्रोम? बिकॉज हर एक फीमेल में इसके कुछ अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं, जबकि इरेगुलर पीरियड ये इसका एकदम अहम सिम्टम है, बट अलग अलग फीमेल में अलग अलग चीजें पाई गई है, तब उसका नाम अभी बना है PCOS। बहुत जगह पे हमने ये सुना होगा, देखा होगा। हैरान की बात ये है कि जिसे PCOS है वो भी बहुत सारी लड़कियां अन अवेयर होती है कि हमारे साथ PCOS चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं चलता। जैसे प्यूबर्टी आती है साइकिल्स बहुत अच्छे से चलते हैं, बट आगे जाके PCOS चलता है। बहुत सारे फीमेल्स में ये भी प्रॉब्लम होता है कि उनका मेंस्ट्रुएशन तो ठीक तरह से आ रहा है, 28 डेज में एवरी मंथ उनको पीरियड्स तो आ रहे हैं, बट उनका जो फ्लो है वो ठीक नहीं है, या फिर कलर के साथ भी कभी कभी डॉक्टर सवाल करते हैं कि विच कलर का आपको पीरियड में दिख रहा है, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स सम अदर थिंग्स। तो बहुत सारे वुमेन्स को पता ही नहीं चलता दैट आई एम गोइंग टू PCOS। ठीक है, तो अभी इसमें होता क्या है? ठीक है, तो इसमें एनलार्ज ओवरीज विद सिस्ट, मतलब जो ओवरीज के आजू बाजू का एरिया होता है, जो हमने व्हाइट कलर के ओवरीज देखे थे उसके बाजू में सिस्ट बनते हैं। अभी पॉली का मीनिंग है मल्टीपल और सिस्ट का मीनिंग है बबल्स। ठीक है, तो बहुत सारे बबल्स बनते रहते हैं। PCOS को आयुर्वेद में कफा युक्त उसे कहते हैं, कफा युक्त मेद, मतलब जो कफ है उसके ऊपर वात चढ़ जाता है, सॉरी वात के ऊपर कफ चढ़ जाता है, और वैसे फैट के सिस्ट तैयार होते हैं ओवरीज के बाजू में, और उसके वजह से जो पीरियड से वो इरेगुलर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि ओवरीज के अंदर चले जाते हैं ये सिस्ट। जब मेंस्ट्रुएशन होने हैं, ओव्यूलेशन का डे है,
तो एग निकलता ही नहीं है, वो सिस्ट निकल जाता है, पीरियड्स आते ही नहीं है। फर्टिलिटी के टाइम पे भी इसका बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि भाई एग ही नहीं आया है, यूटरस लेगी क्या, हाइपोथैलेमस को सिग्नल ही नहीं गया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो पीसीओएस के साथ चलते रहते हैं। ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है जो फीमेल के साथ पूरे ये जर्नी में प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक चलता रहता है। इसे एट द अर्लीस्ट क्योर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। उसके आगे है प्री एक्लिम्शिया, ये जो है वो सीवियर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस है। इसमें ज्यादा से ज्यादा फीमेल में इसके बारे में होता है कि पैर में स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग थोड़ी बहुत आना प्रेगनेंसी में नेचुरल होता है, जब थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वेलिंग आते हैं, बट ये जो है प्री एक्लिम्शिया का जो स्वेलिंग होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है। बीपी हाई होना, ठीक है, बार 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 आपको हेडेक होता है इसमें, ठीक है, एब्डोमिनल पेन भी बहुत ज्यादा रहता है, कभी कभी सीवियर प्री एक्लिम्शिया का कन्वर्जन एक्लिम्शिया में होता है, प्लेसेंटल रिप्शन में होता है, जो प्लासेंटा मदर और बेबी को कनेक्ट करती है, वो प्लासेंटा अपनी जगह से हिल जाती है, तो बेबी को अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिलता। प्री एक्लिम्शिया के पेशेंट्स को, फीमेल्स को, मदर्स को हाईली बेड रेस्ट कहा जाता है, उनके डाइटरी में बहुत सारे चेंजेस करवाने पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसऑर्डर होता है जब कोई वुमेन कंसीव करती है। तो ये सारी चीजें हम पहले से ही क्योर करके रख सकते हैं बिफोर यू गेट कंसीव, ठीक है। आगे का डिसऑर्डर है डिसमेनोरिया। तो ये जो डिसमेनोरिया होता है वो प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है। तो भी प्राइमरी कैसे है, कभी कभी ये जो डिसमेनोरिया होता है जब प्राइमरी में आ जाता है, तब वो प्यूबर्टी से, जब उन्हें पहले टाइम, जिसे मेनार्ज कहते हैं, पहले ही टाइम आपको मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, वो जो लड़की होती है 15-16 साल की, उसे प्राइमरी डिसमेनोरिया हो सकता है, उसे बहुत सारा पेन है, बहुत सारे क्रैम्प्स आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा। हमने देखा होगा हमारे घर पे, या फिर सुना भी होगा बहुत सारे लोगों से, कि बेड पे बस लेटी हुई है, या फिर यहाँ से वहां कलाई करवटे ले रही है, पर कुछ भी उसे इफेक्ट नहीं है। डेफिनेटली आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया है, ये स्टार्टिंग की प्यूबर्टी और मेनार्च में नहीं है, स्टार्टिंग का सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आगे कुछ फेब्रॉइड्स क्रिएट हो गए, या फिर ये जो सिस्ट क्रिएट हो गए हैं ड्यू टू दो सिस्ट, हमें सेकेंडरी डिसमेनोरिया हो सकता है। ये थोड़ा ज्यादा सीवियर होता है प्राइमरी और डिसमेनोरिया से। इसमें डेफिनेटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर होने बहुत जरूरी होते हैं। डेफिनेटली ये सारे चीजों में योग साधना कैसे इफेक्टफुल है हम वो देखेंगे। आगे का जो डिसऑर्डर है वो है मेनोपॉजल डिस्कम्फर्ट। ये जो स्त्री है, ये जब प्यूबर्टी से चल रही है, उसने कंसीव किया, बेबी हो गई, फिर से उसे पीरियड्स आना स्टार्ट हो गया, वहां से लेके अभी वो मेनोपॉज तक पहुंच गई है, ठीक है, एट द एज ऑफ कुल मिला के 45 या फिर 50 एज में मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज एकदम से पॉज नहीं हो जाता, वो होने से पहले एक हाथ साल आपको इरेगुलर पीरियड्स हुए हैं, या फिर पीरियड्स हो रहे हैं बट पूरे के पूरे नहीं हो रहे हैं, एमनोरिया हो रहा है कि हाँ भाई 1 महीने में आ गया, 4 महीने में पीरियड्स ही नहीं आ गए, तो ऐसे कुछ अलग अलग चीजें चलती रहती है। डिफरेंट फीमेल में डिफरेंट सिम्टम्स पाए जाते हैं, बट ये नहीं कहा तो भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हमें महसूस होता है, वो बिकॉज बहुत सारे इयर्स में हम पीरियड के साथ रहे हुए होते हैं, वो एक जर्नी हुआ होता है, तो ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल होता है, बट योग साधना के साथ हम इसको भी नेचुरली रिसीव कर सकते हैं।
इस टाइम पे हॉट फ्लशेस होते हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। हमने सुना होगा, मतलब जो लड़कियां यंग है वो अपने मदर से सुना होगा कि पता नहीं चल रहा, बहुत हैवी हैवी सा लग रहा है। कभी कभी जो ब्रेस्ट इश्यूज होते हैं वो थोड़े से स्वोलन या फिर टेंडर होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट में हल्का सा हैवीनेस दिखाई दे रहा है। एनर्जी, मुझे करने काम बहुत करना है बट एनर्जी नहीं है। कभी कभी बहुत इमोशनल स्विंग्स होते हैं जैसे प्रेगनेंसी में होते हैं, वैसे ही इस टाइम पे भी बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। समझ में नहीं आता कि अभी ब्लीडिंग हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, मेनोपॉज है क्या। उन्हें खुद के माइंड पे कभी कंट्रोल नहीं ले सकते जो योग साधना रेगुलर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि हर एक बॉडी में, हर एक फीमेल में ये अलग-अलग टाइम पे आता है, अलग-अलग सिम्टम्स लेके आता है। तो ये सारी चीजें होती रहती है मेनोपॉजल डिस्कम्फर्ट में। वैसे तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स ये टाइम पे होते रहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस होता है, फिर कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, बट ये सारे टॉपिक्स वाइसी भी मैं कवर किए हुए हैं। आगे जाके ये कुछ आसन्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे, डेफिनेटली बहुत सारे आसन्स हैं, बट मुझे ऐसे लगा कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के साथ कोई भाई ऐसे लिस्ट ऑफ आसन है कि जो हमें रोज के रोज करने हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, बस 15 मिनट है और हमें करने हैं, तो जो करने ही करने हैं वो 4-5 आसन मैंने इसमें डाले हैं, जो फीमेल के हर एक स्टेज पे, हर एक डिस्कम्फर्ट के साथ, हर एक डिसऑर्डर के साथ जा सकते हैं। एक तो है अधोमुख श्वानासन, बद्धकोणासन, उग्रासन, उष्ट्रासन, उत्थित द्विपदासन और बालासन। एक चीज जो मैंने अपने क्लाइंट के साथ भी एक्सपीरियंस की है, खुद के साथ, खुद के दोनों प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस की है, कि हमारे जो इनर थाई मसल्स होते हैं, जो थाई के मसल्स होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होना फीमेल के हर एक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बद्धकोणासन, उग्रासन, ये दोनों आसन, जैसे चक्की चालन भी हम करते हैं, तो ये करने ही करने हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे एक सवाल करते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है तब योग साधना करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि कुछ आसन जो है वो आप करो, आपको बहुत सारा गुड फीलिंग आएगा। ठीक है, तो उसमें मैं जो कहती हूँ वो तो एक कहती हूँ बालासन, जो सुपाइन पोजिशन में करते हैं। दूसरा है मालासन, जो स्टैंडिंग से लेके हम बैठे हैं, जैसे पहले के जमाने में मलमूत्र पास करने के लिए जो पोजीशन हम लेते थे वो पोजीशन। तो जो पोजीशन हमें इनर थाई मसल्स को रिलैक्स करे वो करने हैं। सर नीचे और पाव ऊपर, इन्वर्टेड पोजेस हमें नहीं करने, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में अपान वायु जो होता है वो शरीर के ऊपर से नीचे की तरफ, योनि की तरफ जाता रहता है। तो हम जो अभी मैंने कहे मालासन है, बालासन है, ये आसन कर सकते हैं, बट अदर देन मेंस्ट्रुएशन फेज नहीं है आपका, तब आप ये सारे आसन कर सकते हो। आगे के स्लाइड में प्रीनेटल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट आसन है जो करने ही करने चाहिए। आपके घर में कोई भी फीमेल लेडी है जो प्रेग्नेंट है, प्लीज उनके साथ ये सारी बातें शेयर करना, क्योंकि आजकल प्रीनेटल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, बहुत, जैसे मैंने कहा बहुत सारे आसन है वो कर सकते हैं, बट ये लिस्ट ऑफ आसन रखे हैं। एक तो मार्जार आसन है, करना ही करना है, वीरभद्रासन है, भुजंगासन है, अनंतासन है, बालासन और मालासन। डेफिनेटली ये आसन करते वक्त आपके साथ आपके योगा गुरु होने चाहिए, क्योंकि वो आपको अच्छे से गाइडेंस करेंगे। ठीक है, आगे जाते हुए हम देखेंगे कि ये सारी चीजें, जब डिसऑर्डर्स चल रहा है, ये सारी चीजें जो होती है वो हमारे मन के ऊपर काम करती है। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र हमें पता है, योगश चित्त वृत्ति निरोधः। अगर हम योग साधना कर रहे हैं तो हम हमारे मन के ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, बट हम जब मन पे कंट्रोल करते हैं तो उसका पहला रास्ता जो है वो डाइट के तरह से जाता है।
कि अगर हमारा खाना अच्छा हो तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा। अगर हम सात्विक खा रहे हैं, मन के अंदर विचार भी सात्विक आएंगे। छांदो के उपनिषद में कहा है कि यथा अन्नम तथा मनः, जैसे हम अन्न खा रहे हैं वैसे ही मन ही बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये जो अन्न है वो बॉडी को नरिशमेंट देना देने वाला होना चाहिए, ठीक है। जो अन्न खाएंगे वो हम बैलेंस तरीके से खाएंगे। बैलेंस कैसे खाना है ये भी हमारे ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। जो हम अन्न खाएंगे वो हार्मोनल भी बैलेंस रखने वाला होना चाहिए। जैसे फीमेल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो उनकी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सुधारने वाला खाना हमारे पास हमारे थाली में होना चाहिए। फूड जो है वो सात्विक हो, तामसिक ना हो, ठीक है। हम बैलेंस ईटिंग करें, ओवर ईट ना करें, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो डूज और डोंट्स में आती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे ग्रंथों में भी कहा है, भगवद गीता में कहा है, हठ योग प्रतिपिका में भी कहा गया है। तो उसमें से कुछ चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। आगे चलते हुए, योगिक रिचुअल्स हमें क्या करने चाहिए, ठीक है। कल 2 दिन पहले डॉक्टर शीतल कुलकर्णी ने एक लेक्चर लिया था, और उन्होंने उनके लेक्चर में एक चीज कही थी कि जब कोई भी फीमेल कंसीव करती है तो जो एग को स्पर्म अटैच करके जाइगोट बनता है, तभी वो जो बेबी बॉर्न होने वाला है, वो जो जातक है, उसकी प्रवृत्ति वहां पे डिसाइड होती है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर जो फीमेल कंसीव करने वाली है, ठीक है, उसका जो गर्भाशय है जहाँ पे वो जायगोट आने वाला है, अगर वो गर्भाशय के ऊपर हम अच्छे से संस्कार किए गए हैं, ये कब हो सकता है जब उनका मेंस्ट्रुएशन अच्छा हो, ये कब हो सकता है जब डिसऑर्डर्स ना हो, ये हो सकता है जब रेगुलर आप योग साधना कर रहे हैं। तो योग साधना में कौन सी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए? एक तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होने चाहिए। कुछ जो प्यूरिफिकेशन शुद्धि क्रियाज है जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, वो तो एक है कपाल भाती, जो हमने करना चाहिए। धोती में वस्त्र धोती जो है वो रोज के रोज नहीं बट वंस इन अ मंथ करना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है वो 6 महीने में एक बार तो शंख प्रक्षालन करना चाहिए, पूरा नहीं तो लघु शंख प्रक्षालन करना चाहिए। इसके लिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हमें करने हैं, हमारे डेली लाइफ में, हमारे रूटीन में होने चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक्स, आसन प्राणायाम तो करने ही करने हैं, क्योंकि जैसे कहा मन के ऊपर कंट्रोल है तो वो प्राण से भी होते जाता है। मेडिटेशन योग निद्रा कहते हैं। बहुत सारे रिसर्च ऐसे किए गए हैं कि बस योग निद्रा से जो फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल है उसका मेंटल हेल्थ सुधरा है। तो योग निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्मौनम मेंटल केयर है, इनर साइलेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो स्लीप है वो साउंड स्लीप, गुड स्लीप, उसका पैटर्न अच्छा होना चाहिए। हमारे बॉडी के लिए जो कहा गया है 6 to 7 आवर्स की स्लीप रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाते हुए, कौन कौन से प्रिकॉशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमें लेने हैं जब हम योगा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जब भी हम योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, योगा साधना कर रहे हैं, वो किसी भी गुरु के साथ आप करो, मतलब कोई तो गुरु आपके ऊपर हो जिसे आप फॉलो करो, जिसका कहना मानो, जो आपको गाइड करेगा। तो वो तो है, सारे प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। जैसे वातावरण में चेंजेस होते हैं उस हिसाब से हमें जो योग साधन है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। जब प्रेगनेंसी चल रही है तब हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। बहुत सारे आसन निषिद्ध कहा गया है तो वो हमें नहीं करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस जो हमने नहीं देखा, बट ये भी जो है उसमें हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि सारे के सारे आसन उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। बट जो इम्पोर्टेंट आसन है, जो मेद को रिड्यूस करेंगे, फैट को रिड्यूस करेंगे, वो हम करेंगे, ठीक है। हर एक के बॉडी के हिसाब से थोड़े बहुत तो पोजेस है, थोड़े बहुत आसन है, वो हमें मॉडिफाई करते रहने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेल्विक फ्लोर
जो एक्सरसाइज है, जैसे कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं, उसका अवेयरनेस होना चाहिए, वो सारे फीमेल ने करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंगेज इन माइंडफुल ब्रेथ अवेयरनेस एंड प्राणायाम, और ये हमें करना है। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे मैंने अभी कहा कि हर एक की बॉडी अलग अलग है, हर एक की बॉडी में चेंजेस अलग अलग हिसाब से होते रहते हैं, तो खुद को समझ के, खुद के बॉडी के चेंजेस समझ के हमें योग साधना करते जाना है। आगे टू कंक्लूड माई टॉपिक, तो ये सारे चेंजेस है, ये सारे जो डिसऑर्डर्स है, योग साधना करेंगे तो माइंड के ऊपर कंट्रोल होगा। हमने सुना होगा कि माइंड इज वंडरफुल स्लेव बट डेंजरस अ मास्टर, हमें उसके ऊपर काम करना है। हमारा जो मन है वो शांत होना चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी, उसमें सात्विकता होनी चाहिए। तो योग साधना हम करेंगे, जैसे अष्टांग योग में यमन नियम कहा गया है, उसको अगर फॉलो करेंगे तो हमारी जो ह्यूमन हेल्थ के डिसऑर्डर्स है उसके ऊपर हम अच्छे से काम कर पाएंगे। हम एंजाइटी पे काम कर सकते हैं, डिप्रेशन कम हो सकता है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स, जब मैं प्रेग्नेंट वुमेन के साथ बात करती हूँ डिलीवरी के बाद, वो खुद आके बताते हैं कि योग साधना करने के बाद हमें बहुत सारी चीजें अपने आप पता चल रही है जो नहीं कर रहे हैं। वो हमें पूछते हैं कि भाई आप इतना इजीली कैसे कर पा रहे हो। तो योग साधना फीमेल के बॉडी के लिए, ओवरऑल उनके हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारा रिसर्च करा गया है, बट बहुत सारा रिसर्च योग साधना प्रेगनेंसी, वुमेन हेल्थ डिसऑर्डर के साथ कैसे अच्छे से जाएगा, ये करने की जरूरत है। हरिओम एंड थैंक यू ऑल।